नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में होने वाली T20 सीरीज के पहले मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 23 अगस्त 2023 को मैनचेस्टर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और फैंटेसी टीम की भी बात हम करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में, तो पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। उससे पहले दोस्तों देखो यार, यह मैच खेला जाएगा 30 अगस्त को और 30 अगस्त को है रक्षाबंधन, इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड के बारे में। इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, जोस बटलर, हैरी ब्रुक, डेविड मलान, विल जैक, लियाम लिविंगस्टोन इनके बैट्समैन, मोइन अली, सैम करन इनके ऑलराउंडर प्लेयर, आदिल राशिद, क्रिस जॉर्डन, लुकवुड, वाइडन क्रेस इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके अपोनेंट टीम न्यूजीलैंड के बारे में, दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, फिन एलन, डेविन कनवे, एन फिलिप्स टीम सेपरेट, डेरियल मिशेल, मार्क चैपमैन इनके बैट्समैन, जेमी निशा, मिशेल सेटनर इनके ऑलराउंडर प्लेयर, टीम सऊदी, लोकी फर्गीसन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 22 मैच खेले गए हैं, जिनमें से इंग्लैंड ने 14 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि यार न्यूजीलैंड ने 8 मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने 14 में से 7 मैच तो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 7 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। और न्यूजीलैंड ने 8 में से 2 मैच तो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 6 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। दोस्तों देखो यार, इंग्लैंड का 201 रन का हाईएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि यार न्यूजीलैंड का 241 रन का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ, और दोस्तों इंग्लैंड का 62 रन का लोएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि यार न्यूजीलैंड का 52 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। और दोस्तों इंग्लैंड अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों में जीत कर आ रहे हैं, जबकि यार 3 मैचों में हार कर आ रहे हैं, और न्यूजीलैंड अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में जीत कर आ रहे हैं, जबकि यार 1 मैच में हार कर आ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से इंग्लैंड ने 4 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि यार न्यूजीलैंड ने 1 मैच जीता है। और देखो यार, दोनों टीमें अपने खेले गए लास्ट 10 मैचों में से 6-6 मैच जीत करा रहे हैं और 4-4 मैच ये हार करा रहे हैं। देखो यार, यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही में दोस्तों ठोस की प्रेडिक्शन, फैंटेसी टीम और क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट देता रहता हूं। कभी हमारी मैच प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूं। साथ ही में दोस्तों देखो यार, वहीं पर मैं आपको ठोस की प्रेडिक्शन देता हूं, ठोस होने के बाद में फाइनल जो हमारी फैंटेसी टीम होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूं, तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यह मैच ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम मैनचेस्टर में खेला जाएगा, यहां पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यार यहां पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहां पर अभी तक टोटल ओवरऑल 8 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर 6 मैच जीते हैं। यहां पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ, यहां का एवरेज स्कोर 164 रन का है, जबकि यार यहां का हाईएस्ट स्कोर 194 रन पर 4 विकेट का, और दोस्तों का लोएस्ट स्कोर 123 रन पर 9 विकेट का है। दोस्तों का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 2 बार, 150 से 169 के बीच में यहां पर 3 बार स्कोर बना है, जबकि यार 170 से 189 के बीच में यहां पर 1 बार भी स्कोर नहीं बना, और 190 प्लस भी यहां पर 3 बार स्कोर जा चुका है। साथ ही में दोस्तों यहां पर फास्ट बॉलरों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, यहां पर फास्ट बॉलरों को 67% विकेट देखने को मिलता है, जबकि यार स्पिनर बॉलरों को यहां पर 33% विकेट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहां पर हाईएस्ट चेस 188 रन हुए हैं, जबकि यार लोएस्ट डिफेंड यहां पर 144 रन का हुआ है। पर अभी तक फास्ट बॉलरों ने 57 विकेट निकाले, जबकि यार स्पिनर बॉलरों ने यहां पर 36 विकेट निकाले। और दोस्तों देखो यार, न्यूजीलैंड यहां पर अभी तक 2 मैच खेल चुके हैं, जिनमें दोस्तों दोनों मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी थी, जबकि यार इंग्लैंड यहां पर अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं, जिनमें दोस्तों इनको 6 मैचों में जीत मिली थी, साथ ही में दोस्तों 2 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैंटेसी टीम के बारे में, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। साथ ही में दोस्तों ठोस की प्रेडिक्शन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा। बात करें दोस्तों सेशन के बारे में, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर सेशन रह सकता है इस स्टेडियम में और दोस्तों इस मैच में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैच प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता ही यार, दोनों टीमें काफी अच्छी कंडीशन में भी है और दोनों टीमों के प्लेयर भी काफी अच्छे हैं और दोनों की प्लेइंग 11 टीम भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों फिर भी बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार 51% इस मैच को इंग्लैंड जीत सकते हैं, जबकि यार 49% इस मैच को न्यूजीलैंड जीत सकते हैं। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को इंग्लैंड ही जीत सकते हैं। आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता ही यार, क्रिकेट एक
अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों देखो यार, वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।